नमस्कार जी, राम राम जी सभी को। और आज है संडे, तो संडे को आज बना रही हूँ मैं छोले टिक्की। छोले टिक्की के लिए मैंने ये आलू हैं, जो 8 आलू हैं ये बॉईल कर लिए हैं। और छोले की सब्जी मैंने सैटरडे को रात को बनाई थी, तो सैटरडे की जो सब्जी रात को बनाते हैं तो छोले की सब्जी बहुत इजीली ये चीज़ें बन जाती हैं। छोले टिक्की में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा बनाने में, क्योंकि छोले रात की सब्जी जो मैंने फ्रिज में रख दी थी और सुबह अब छोले टिक्की में यूज़ हो जाएगी। तो छोले घर पे ही बने हुए हैं, रेडी हैं मेरे, और टिक्की मैं अभी बस बना ही लूँगी। इस बहाने क्या है कि बाहर के खाने का टेस्ट आ जाएगा, जो बच्चों को भी चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। और यहाँ बाहर पे तो बाहर के नाम पे यहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता है, तो जो हमारे मुँह का स्वाद है वो भी पूरा हो जाएगा और हेल्दी भी होती है ये टिक्कियाँ। इसमें कोई इसमें इस तरह के मसाले का भी यूज़ नहीं होगा, जो मेरे पास घर पे हैं आज मैं उन्हीं से आपको बना के दिखाऊंगी। और ये मैंने जो ब्रेड के साइड में ब्राउन ब्राउन है ये चाकू से कट कर लिए हैं, इनको मैं नहीं यूज करूंगी टिक्की में, तो ये साइड के मैं कट कर रही हूँ अभी। हाफ हाफ करके मैंने सारी ब्रेड का ये साइड का चूरा हटा लिया है, साइड का खराब जो ब्राउन ब्राउन है ये हटा लिया है। और ये अब मैं इस पैकेट में वापस से जो ये हटाए हैं उनको डाल लूँगी, इनको गाय को खिला देंगे जब भी बाहर जाऊँगी। तो ये मैंने साइड में निकाल के रख दिए। और अब मैं यहाँ एक पतीला लेऊँगी, जो एक बाउल लेऊँगी, उसके अंदर पानी डाल दिया है इस बाउल के अंदर। और पानी डाल के जो ब्रेड मैंने साफ की हैं साइड का जिनका चूरा निकाला है उनको यहाँ स्क्विच करके इनको दबा के अच्छे से हल्के हाथ से निचोड़ लूँगी पानी में डाल डाल के सारे ब्रेड को। ज़्यादा नहीं दबोना है, नहीं तो गल जाएंगी पानी में और गल के फिर बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। तो बस इनको हल्के हाथों से हल्का सा पानी में भिगोना है और ऐसे इसको निचोड़ लेना है, पानी निकाल देना है। फिर इसे क्या है ये नरम सी हो जाएंगी, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। इसके बाद जो ये पानी बचा है निचोड़ा हुआ ये मैं डाल दूँगी वाश बेसिन में, इसका कोई यूज़ नहीं है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1-1.5 चम्मच करीब ब्लैक नमक, जितना स्वाद अनुसार जैसा आपको ठीक लगे। मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी 1/2 चम्मच छोटी हींग का। और उसके बाद मैंने 1 छोटी चम्मच इसमें आमचूर पाउडर और चाट मसाला 1 छोटी चम्मच डाल दिया है। और उसके बाद अब मैं इसको हाथों से फेंट लूँगी, बढ़िया मेश कर लूँगी हाथ से अच्छे से। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी, ब्रेड, आलू और जो मैंने मसाले डाले हैं वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए ये सारा मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसकी टिक्की बनने के लिए रेडी हो गया ये पूरा पेस्ट अच्छे से। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस सीधा गैस ऑन करूँगी। और ये जो मेरे पास डोसे वाला पैन है ये मैं रख दूँगी गैस ऑन करके। और अब हथेली के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा लूँगी, जो कुकिंग ऑयल है, ये मैंने जो पेस्ट तैयार किया है इसके ऊपर भी लगा दिया है। और हाथ से चिकना कर करके ये टिक्कियाँ बना लूँगी गोल गोल, बिल्कुल हाथ से गोल करके हल्के हाथों से इसको दबा दबा के एकदम। ये अगर हम इसमें ऑयल लगाएंगे हाथों पे तो ये क्या होता है कि जो हम टिक्कियाँ बनाते हैं ये बिल्कुल चिपकती नहीं है, इसलिए हल्के हाथों से तेल लगा लगा के सारी टिक्कियाँ गोल कर लूँगी। और मेरे हाथ गंदे थे तो मैंने बेटी को बोला था कि थोड़ा तेल इस पर डाल दो तवे के ऊपर, और जो तवे के ऊपर तेल डाला है उसी के हिसाब से हमें टिक्कियाँ रखते जाना है।
एक साइड टिकिया मेरी धीमी आंच पर धीरे धीरे सिक रही है नीचे से, और दूसरी साइड मैंने तवा रख के छोटा वाला, उसके ऊपर मैं जीरा डाल के और काली मिर्च डाल के इनका मसाला, सूखा मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये धीमी आंच पर तब तक ये मसाला भी तैयार हो जाएगा जो मुझे टिक्कियों के ऊपर छिड़कने के लिए यूज़ करना है। और अभी टिकिया ऊपर से नीचे से सिक गई हैं, तो अभी मैं इनको चक्कू से पलट रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी सिकी हैं, जैसे हम कई बार बाज़ार में खाते हैं ना, वहाँ पे जो बना के देते हैं उस टाइप से बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं। और यहाँ मेरा मसाला भी मैं भून लूँगी। और अब ये मसाला जो है कूटने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच ब्लैक नमक, काला नमक डाल दिया है, और इसको मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद अब जो मेरी चटनी है, मैं इमली की चटनी को भी बना के रख लेती हूँ पहले ही, क्योंकि एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, बाकी सारे काम हमारे घर के ही रह जाते हैं। इसलिए ये चटनी जो इमली की है ये मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रखी हुई थी, वो मैंने निकाल ली है एक बाउल में। और एक हरी चटनी है, वो मैंने मॉर्निंग में ही बनाई थी, वो बहुत जल्दी इजीली बन जाती है फटाफट से, धनिया की और हरी मिर्ची की, उन दोनों को पीस के तब बनाई थी। और टिक्की तो बन जाएंगी और बनने वाली हैं, बस लगभग मेरा नीचे से मैंने चेक किया तो नीचे से भी सिक गई हैं अच्छे से। और अब प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, बारीक बारीक प्याज जो टिक्कियों के ऊपर हम डालते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैं उसके लिए बिल्कुल बारीक बारीक से मैं स्लेब पे काट रही हूँ, यहीं पे ही मैं बारीक बारीक प्याज कट करूँगी। और प्याज को एक प्लेट में डालने के बाद मैं हाथ के हाथ स्लेब का भी क्लीनिंग कर देती हूँ, स्लेब बिल्कुल साफ़ रखती हूँ मैं, बार बार इसका बहुत यूज़ करती हूँ, बार बार यहीं पे ही काटने का काम यहीं पे ही हो जाता है मेरा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो मैंने टिक्की के लिए मसाले तैयार करे हैं, लाल चटनी, प्याज, ग्रीन चटनी, और ये मसाला, और ये छोले की सब्ज़ी। और अब मैं एक प्लेट में डालती हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे टिक्कियाँ सर्व कर रही हूँ। पहले दो टिक्कियाँ रख ली, उसके ऊपर छोले की सब्जी, उसके ऊपर मैंने दही फेटा हुआ, रात को दही जमाया था तो उसको फेट के, उसमें पानी नहीं मिलाना होता है बिल्कुल भी, बस उसको फेटा है और वही डाला है इसमें। और उसके बाद ग्रीन चटनी, उसके बाद ये रेड चटनी डाल दी है जो सारे मसालों के ऊपर एक अलग ही फ्लेवर का काम करेगी, बहुत ही टेस्टी। उसके ऊपर कटी हुई ये बारीक प्याज डाल दी और इसके ऊपर छिड़क दिया ये मैंने मसाला, तो बन गई मेरी टिक्की। आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। संडे वाली टिक्की कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी आज की ये वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।